हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, साथ ही शिबा इनू कॉइन के फ्यूचर की। क्या जिस प्रकार से अभी यहां पर शिबा इनू कॉइन जो अभी तक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लास्ट कुछ मंथ से प्राइस जो है उस पर इम्पेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर इसका फ्यूचर किस प्रकार का हो सकता है और जो डेवलपमेंट अभी देखने को मिल रहे हैं क्या क्या यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, शिबा की टीम इनको लेकर क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ वर्क यहां पर फंडामेंटली इसके डेवलपमेंट में किए जा रहे हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर शिबा इनू कॉइन के फ्यूचर की ही बात कर लेते हैं। पोटेंशियल यूजर्स एंड प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी भी अगर हम देखें यहां पर काफी सारे जो यूज केस है, यूटिलिटी है, वो शिबा इनू कॉइन की अभी भी और आने वाले टाइम में जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं, शिबा का यूज केस बढ़ाने की कोशिश यहां पर टीम के द्वारा की जा रही है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी यहां पर अंडर डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिन पर अभी भी यहां पर वर्क चल रहा है। शिबा इनू के की फीचर्स की अगर हम बात करें, शिबेरियम द लेयर टू लीव फॉरवर्ड, शिबेरियम की अगर हम बात करें 2023 में ऑलमोस्ट यहां पर 256 मिलियन ट्रांजेक्शन इसकी ब्लॉकचेन पर हुए थे, इस ब्लॉकचेन पर हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें ऑलमोस्ट अभी के समय में जो ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन है वो ऑलमोस्ट यहां पर 310 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब अगर हम इस मंथ की बात करें, जनवरी के मंथ में ऑलमोस्ट यहां पर 50 मिलियन ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं। ये ट्रांजेक्शन का जो आंकड़ा है वो यहां पर कम हुआ, स्पीड कम हुई है, लेकिन इन फ्यूचर यहां पर ये बढ़ते हुए नजर आएगी। जो डेवलपमेंट यहां पर हो रहे हैं ट्रांजेक्शन की स्पीड को वो यहां पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम फीस की बात करें तो यहां पर इथेरियम के आप कंपैरिजन में देखेंगे तो फीस जो है शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर वो काफी कम लग रही, जिस वजह से शिबेरियम का यूज केस आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। और अगर यूज केस बढ़ेगा तो यहां पर शिबेरियम को ज्यादा यूज किया जाएगा, बोन को ज्यादा यूज किया जाएगा एज अ गैस फीस, और बोन को कलेक्ट करके शिबा इनू कॉइन को बर्न भी किया जाएगा। सेकंड जो फैक्टर है कम्युनिटी की, यहां पर पावर कम्युनिटी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, शिबा के लिए भी है, क्योंकि लगातार यहां पर कम्युनिटी सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है और काफी सारे यहां पर जो अदर टोकन है वो भी यहां पर शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब इस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, शिबेरियम ब्लॉकचेन पर वो आ रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें कम्युनिटी की, जो कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव यहां पर देखने को मिल रहा है, शिब आर्मी की बात कर रहे हैं, प्रीवियसली ईयर्स में भी यहां पर शिब आर्मी जो है लगातार कनेक्टेड रही थी और अभी भी यहां पर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फाउंडेशन यहां पर मजबूत हो रहा है, इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि जो कम्युनिटी है वो अभी भी यहां पर सपोर्ट करेगी और अभी भी करते हुए नजर आ रही है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोकन बर्न हुआ था 2023 में, अगर हम बात करें लगभग 76 बिलियन टोकन जिन्हें यहां पर बर्न किया गया था। और अगर हम विटालिक ब्यूटेरियन की बर्निंग की बात करें तो ये सबसे बड़ा बर्न है, विटालिक ब्यूटेरियन ने एक बड़े अमाउंट को बर्न किया था, उसके बाद से अभी तक इतना बड़ा अमाउंट बर्न नहीं हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स उन्होंने बर्न किए थे, लेकिन 2023 में यहां पर लगभग 76 बिलियन टोकन्स बर्न हुए, जिसमें यहां पर एक बड़ा जो परसेंटेज था, बड़ा आंकड़ा था, वो शिबेरियम के थ्रू भी आया हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर आने वाले टाइम में 2024 में क्या क्या यहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पर यहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है टीम के द्वारा। 2024 और 2025 यहां पर शिबा के लिए डिसेंट्रलाइजेशन वाला ईयर हो सकता है, जहां पर जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स में यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोकन बर्निंग मैकेनिज्म की शुरुआत होने वाली है जनवरी के मंथ में, ऑटोमेटेड वर्जन यहां पर आ जाएगा, जहां पर अब शिबा इनू कॉइन को डायरेक्टली मैन्युअली जो बर्न है वो नहीं किया जाएगा, अब वो यहां पर डायरेक्टली बर्न हो जाएगा। और इसको लेकर यहां पर ये इनिशिएटिव भी दिखाया जा रहा है कि 10 ट्रिलियन शिब टोकन जो है वो रिमूव होंगे सर्कुलेशन में से मंथली। ऐसे अगर हम देखें पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इनका कहना है कि 10 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन मंथली यहां पर बर्न हो सकते हैं। इसके लिए यहां पर सप्लाई जो है काफी बड़ा है वैसे भी, लेकिन अगर ट्रिलियंस की बात करें, 1 ट्रिलियन भी अगर बर्न हो जाते हैं तो वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 1 ट्रिलियन भी यहां पर शिबा की टीम के द्वारा बर्न नहीं किया गया। साथ ही अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म फ्यूचर की, तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर शिबा इनू कॉइन का जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहां पर डेवलप हो रहे हैं यहां पर ब्राइट जरूर नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो जिस प्राइस लेवल पर है काफी ज्यादा डाउन में है, 1 ईयर के भी लोवेस्ट लेवल पर है, जिस वजह से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिस पर इंपैक्ट पड़ना चाहिए। अगर यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप शिबा का जो प्राइस है वो ग्रो करता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इस प्राइस लेवल पर जो आप देख रहे हैं, इसी प्राइस लेवल पर अराउंड इससे भी कम में ये पहले भी था, लेकिन यहां से इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर जो थे उन्होंने मार्केट में इसे परचेस किया था। अभी के समय में मार्केट में इतनी ज्यादा परचेसिंग शिबा इनू कॉइन को लेकर नहीं हो रही है, चाहे अगर हम वेल्स की बात करें या फिर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने आप यहां पर शिबा के वॉल्यूम में उछाल देखने को मिलेगा, उसके प्राइस पर जो इंपैक्ट है जैसा कि पास्ट में 2021 में देखने को मिला था उस प्रकार का देखने को मिल सकता है। मतलब इस सप्लाई के साथ भी शिबा इनू बढ़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको कितना यहां पर परचेस किया जाता है, कितना इंटरेस्ट यहां पर इन्वेस्टर्स का होता है, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स ने यहां पर स्विच किया हुआ है अदर कॉइन्स में जो प्रॉफिट निकाल कर दे रहे हैं, क्योंकि शिबा काफी टाइम से यहां पर डेड हो चुका है, मतलब इसके प्राइस में ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक रैली अगर आती है तो यहां पर फिर से इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स का
होगा वो इसमें देखने को मिल सकता है। बर्निंग की बात करें, बर्न रेट की बात करें, 5000% तक बर्न रेट जो है लास्ट 24 आवर्स में इंक्रीज हुआ है, जहां पर अगर हम देखें मिलियंस ऑफ टोकन्स को शिबा की जो कम्युनिटी है उनके द्वारा बर्न किया गया है। टोटल आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में 220 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं, जिसमें 55% बर्न रेट बढ़ा हुआ है। अगर हम 24 आवर्स की बात करें लगभग यहां पर 19 मिलियन टोकन्स को बर्न किया है, जिस वजह से बर्न रेट जो है 5000% बढ़ा हुआ है। इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, भले यहां पर परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बर्निंग काफ़ी कम हो रही है। तो टीम को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे शिबा का इकोसिस्टम में जो इंटरेस्ट है फिर से इन्वेस्टर्स का वो ग्रो करे और स्पेशली प्राइस बढ़े, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो ही यहां पर इन्वेस्टर्स जो है उनका ध्यान फिर से शिबा इनू कॉइन में जा सकता है। फ्यूचर यहां पर ब्राइट जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्राइस लेवल पर है काफ़ी डाउन में है, यहां से ये 2024 इसके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पर 7 के लेवल पर INR में ये ट्रेड कर रहा है, 7-8 के लेवल पर। यहां से अगर गिरता भी है तो 5 और 6 का लेवल हो सकता है, लेकिन उठने के बाद ये यहां पर 1 के लेवल को हिट करेगा। मतलब यहां पर अभी भी उम्मीद है कि ये प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है 7 के लेवल पर अगर आपको मिलता है। अराउंड 6 के लेवल पर अगर मार्केट डाउन में जाता है तो भी चले जाएगा, 6.5 के अराउंड ये मिल जाएगा, 6.5 से 7.0 के अराउंड मिलता है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे बाय करें, क्योंकि यहां से 1 का लेवल और ऑलमोस्ट यहां पर 30 से लगाकर 40% का पंप इसके प्राइस में, तो इतनी बड़ी रैली यहां पर आती है तो इन्वेस्टर जो है फिर से इस पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर टीम को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे शिबा के प्राइस पर इंपैक्ट पड़े। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।